नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज जायसवाल। आप देख रहे हो टेक्निकल आरजेम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियलमी C65 में किस तरह से स्प्लिट स्क्रीन चला सकते हैं आप अपने मोबाइल में। स्प्लिट स्क्रीन के लिए आ जाना है आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में, और चलिए चलते हैं मोबाइल के सेटिंग में। और ये रहा हमारे मोबाइल का सेटिंग, और सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको स्लाइड करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको मिलेगा स्मार्ट फीचर, तो चलिए हम आगे स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर के फाइल में आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा स्प्लिट व्यू, इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका सेटिंग ऑफ मिलेगा, तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको सीधा आ जाना है अपने होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको किस तरह से स्प्लिट व्यू चलाना है, इसकी क्या करना है, पहले एक बार व्हाट्सअप चालू कर लीजिए। इस तरह से व्हाट्सअप चालू कर लीजिए, और उसके बाद थ्री फिंगर से एक बार टच कर दीजिए। उसके बाद आप एक और कोई भी एप्लीकेशन पे टच करके चालू कर दीजिए। तो चलिए एक और मैं क्या करता हूँ, फेसबुक चालू कर देता हूँ या तो मैक्स प्लेयर चालू कर देता हूँ। तो चलिए मैं क्या कर देता हूँ, मैक्स प्लेयर चालू कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपका दो स्क्रीन चलना शुरू हो जाएगा। ऊपर फ़िलहाल चल रहा है हमारा व्हाट्सअप चल रहा है, और नीचे मैक्स प्लेयर चल रहा है। तो मैक्स प्लेयर में थोड़ा बैक करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल एड आ रहा है, एड को कट करते हैं। और इस तरह से आप नीचे दो फाइल चला सकते हो। फिलहाल मेरा मैक्स प्लेयर है और ऊपर व्हाट्सअप। व्हाट्सअप से चैटिंग कर सकते हो, या नीचे वीडियो देखना है, या तो फेसबुक चलाना है तो आप फेसबुक भी चला सकते हैं। कोई भी दो एप्लीकेशन ओपन करके आप चला सकते हैं। इस तरह से आप अपने मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन चला सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।